जनपद संभल के चंदौसी में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कार्यक्रम में सरकार द्वारा किए जा रहे रेलवे के निजीकरण का विरोध किया गया। आज जनपद संभल के चंदौसी में मनोरंजन सदन के सामने नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में रेलवे कर्मचारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे रेलवे के निजीकरण का विरोध किया गया। इस दौरान नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल सचिव राजीव चौबे ने कहा कि सरकार रेलवे का निजीकरण करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबल से सरफराज अंसारी की यह रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये प्रोग्राम है, ये हमारा जो ब्रांच हमारी यहाँ की है चंदौसी की, इस शाखा का त्रैवार्षिक चुनाव है। उस त्रैवार्षिक चुनाव के साथ साथ हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में एक संयुक्त मंच बनाने का काम किया, जिसका अभियान है रेल बचाओ देश बचाओ। उसमें 7600 स्टेशन हमारे हैं, उन स्टेशनों पर हमने एक समिति का गठन करते हुए तमाम जितने भी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसान हो मजदूरों में हमारे, चाहे वो शिक्षा के संबंधित हमारे मित्र हों, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रिक से संबंधित मित्र हों, इस तरह के जितने भी एडवोकेट वगैरह जो भी हमारे वर्ग हैं, उन सभी को एकत्रित करके हम लोगों ने एक मंच बनाने का काम किया। उसमें डॉक्टर से लेकर हर तरह के लोग वहाँ शामिल होंगे और उस मंच के तौर पर हम एक आंदोलन का दिशा के तौर की तरफ लेकर जाने का काम करेंगे। जिस तरह से सरकार हर किसी विभाग का निजीकरण करती जा रही है, उससे देश की आर्थिक व्यवस्था को भी नुकसान होगा। स्वाभाविक सी बात है, आप देख रहे हैं कि निजीकरण का जो स्थिति है वो तो आपके सामने मालूम ही है। अगर निजीकरण की स्थिति अगर पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगी तो आप सोच कर चलिए, आंकलन करके देखिए, इस कोरोना काल में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हुई, उस परिस्थिति की वजह से जिस तरह से देश की गति नहीं, पूरे वर्ल्ड की गति जो है वो रुक करने का काम हुआ, तो उसका कारण आपको मालूम ही है, क्योंकि निजी उद्योगपति थे, उन्होंने अपने तरह से उसको चलाने का काम किया। पर आपकी ये भारतीय रेल लगातार काम करती रही, एक दिशा से दूसरे दिशा पे पूरा उन्होंने खाद्यान्न उठाया, उन्होंने मेडिसिन उठाई, तब जाके इस देश में तमाम लोगों को खान पान और मेडिसिन भी मिलने का काम हुआ। और उस जो भी वहाँ पर खान पान गया वो भी किसी मजदूर का ही होगा, किसी पूंजीपति का ही होगा, जिन्होंने बेचा तो जब वो बिका होगा तभी उसकी जीडीपी भी उठी होगी। अगर सोचिए, अगर ये भी बंद हो जाता क्या स्थिति होती देश की। इसलिए निजीकरण जो है इसके खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन लड़ रहा है, और इसके लिए तब तक लड़ता रहेगा जब तक कि हम इस चीज़ को लेकर आगे, जिसे कहना चाहिए कि आंदोलन चलाने के, उसको समाप्त नहीं देते, तब तक इसके लिए लड़ते रहेंगे। भारतीय रेल जो कि अंग्रेज़ों ने चलाई थी और 1947 के बाद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, उस राष्ट्रीयकरण में ये रेल भारतीय समाज की एक बहुत ही सुगमता का साधन रहा, उसके यात्रा का साधन रहा। भारतीय रेल से केवल रेल कर्मचारी ही नहीं, हिंदुस्तान की तमाम जनता उससे जुड़ी हुई, और बड़ा सुगम और सस्ता सफ़र आम मजदूर आम लोग इसमें करते हैं। लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट ने इसको निजीकरण, तमाम प्राइवेट पार्टनर्स को गाड़ियों से देने का काम किया है। अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि 109 रूटों पे 150 ट्रेनें हम निजी हाथों में देने जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय रेल की अस्मिता को बचाने के लिए केवल रेल कर्मचारी नहीं, हिंदुस्तान का हर वो कामगार, हर वो उपभोक्ता, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस रेल को बचाएं ताकि हम देश को बचा सकें, क्योंकि रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा साधन है। आज आप लोग देख रहे हैं कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कहाँ जा रही है। कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई जो कि 0 पॉइंट से भी नीचे हमारी जीडीपी चली गई हो। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है कि आप कोरोना काल में देखे होंगे कि तमाम पैसेंजर ट्रेनों को इन्होंने बंद कर दिया, हवाई जहाज ये चला रहे हैं, रोडवेज चल रही है, प्राइवेट गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, लेकिन रेल के पैसेंजर ट्रेनों को इन्होंने बंद कर रखा है। अभी रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है कि जितने मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनमें से स्लीपर कोच हटा दिए जाएंगे, सारे एसी कोच लगेंगे। अब उन एसी कोचों में जो इस देश के सरमाएदार लोग हैं वही सफ़र कर सकते हैं, आम आदमी उसमें सफ़र नहीं कर सकता। पैसेंजर ट्रेनों में जो स्लीपर कोचेज होते थे उसमें तमाम गरीब, तमाम मजदूर उसमें सफ़र करते थे, उनको वंचित किया जा रहा है। तो ये लड़ाई ट्रेड यूनियन आंदोलन के जरिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तमाम उपभोक्ता भी इस आंदोलन से जुड़ें और भारत सरकार की ये जो नीतियाँ हैं उसका पूरा विरोध हो। नवंबर में शरदकालीन पार्लियामेंट सेशन होने जा रहा है,
उससे पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कि सारे उपभोक्ता से लेकर के सारे श्रमिक संगठन इसमें इकट्ठे हों और भारतीय रेल को हम लोग किसी न किसी तरीके से बचाएं, ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो और भारत की जनता की एक सुगम जो साधन है यात्रा का वो भी बचाया जाए।